हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। तो स्वागत है आप सभी। तो प्लीज़ आज एक बार यूट्यूब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नोटिफिकेशन की, तो जिन लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच चुका है वो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर दें, ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि क्या आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। यदि पहुंचा है तो हम स्टार्ट करते हैं। जिन भी लोगों के पास पहुंच गया है नोटिफिकेशन प्लीज बताएं जल्दी से। यूट्यूब का बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है नोटिफिकेशन की। मैंने सुबह भी एक बार ट्राई किया था तो नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंचा, तो लाइव स्ट्रीम को बंद करना पड़ा। अच्छा, हेलो हेलो भाई आशीष जायसवाल, अच्छा अब पहुंच गया है। तो जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें क्योंकि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग शिवराज प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। राम राम भाई। देखिए जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंच गया है करो और बताइए कि किन किन लोगों के पास पहुंचा है। भाई अभी तक मेरे को लग रहा है चार लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचा है, तो प्लीज यार कमेंट जरूर करें जिन लोगों के पास पहुंच चुका है नोटिफिकेशन, शेयर करें लाइव स्ट्रीम को फटाक से। शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, छह लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है और आ जाइए जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं भाई? बढ़िया हूँ मैं। हेलो भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग न्यू स्टूडेंट सर। ओके भाई, वेलकम आपका। लाइक कर दिया भाई, गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई, जो भी लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं इसमें देखिए क्या गिवन है आपको। जो भी लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं इसमें देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुनने जो इनसे रिलेटेड है ना। देखिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फिगर नंबर्स फ्रॉम द गिवन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए क्या है। टेलीफोन इज रिलेटेड टू मोबाइल फोन, देन कंप्यूटर इज विल रिलेट किस, कंप्यूटर किससे रिलेट होगा। टेलीफोन का जो रिलेशन है वो मोबाइल फोन से है, उसी तरह से जो आपका कंप्यूटर है इसका रिलेशन किससे होगा। तो सभी लोग अपना आंसर फटाक से दीजिए। सी, अच्छा आजाद अंसारी का आंसर आ चुका है सी। भाई सी क्या बता रहे हैं, लैपटॉप बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों का सही होता है। डी, अच्छा कीबोर्ड। ओके जल्दी जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए भाई, फटाक फटाक से जल्दी जल्दी से। सी, सौरभ यादव का आ चुका है आंसर। ओके जिन जिन लोगों को आंसर आ रहा है लैपटॉप। ओके सी, सी ऑप्शन ज्यादातर लोगों को आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए मैं बता दूं आपको, ओके बिल्कुल राइट है भाई आपका असजद अंसारी और क्या नाम है राजद कुमार, लैपटॉप रिलेटेड होगा। जिसे टेलीफोन और मोबाइल दोनों रिलेट होते हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन के काम आते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी लोगों का लगभग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। VOHAWPIB CJQX किससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड है, तो ये अगला इस किससे रिलेटेड होगा। तो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए चूज। देखिए भाई लोगों ने बोला था, कम से कम 100 लोगों ने बोला था कि हम 100% आएंगे और 15-16 ही लोग आ पाए हैं। कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए जल्दी से करें फिर हम इसको। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर टू और इसका आंसर।
तो चलिए लोग कम हैं तो ए बता रहे हैं कुछ लोग, तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए इसका V कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर। W कितने पर आता है, सॉरी 22 पर आता है, ये 23 पर आता है, ठीक है। ओके भाई सभी का सही आ रहा है लगभग, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखो वी ओ एच ए, आपको करना क्या है, V से कितना कहाँ जा रहे हैं आप, W, O से P, H से I, यानी एक एक आप बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको ऐसे ही बढ़ना होगा। C से आपको जाना होगा D, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्लिक हो जाता है, ठीक है। सभी लोगों का लगभग सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है जिस तरह से बस रोड से संबंधित है, ट्रेन किससे संबंधित होगी। भाई पवन कुमार और ये रहलाद कुमार है, ये प्लीज़ एक बार ना ऐसे लिखे कि क्वेश्चन नंबर 3 और आगे उसका बी लिखे, बिल्कुल जैसे सौरभ यादव ने लिखा है 13 नंबर का बी। रितेश पंडित हेलो भाई हेलो, देखिए यार 16 ही लोग जुड़ पाए हैं, लाइक करो सभी लोग। बी कौन से क्वेश्चन का बता रहे हैं भाई, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के आगे उसका क्रमांक जरूर लिख दिया करें, ठीक है भाई। बी तो देखिए बस सड़क से संबंधित है, तो रेलगाड़ी किससे संबंधित होगी, रेलगाड़ी संबंधित होगी आपकी। सभी सभी लोगों को आंसर सही है, ओके रेलगाड़ी आपकी किससे संबंधित होगी, पटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग को ये लिखा हुआ है तो प्रोटोकॉल को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। राम राम भाई पवन कुमार, कुमार पवन, ओके भाई जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और डेली अब 7 बजे लाइव आ जाया करो जल्दी से, जिन लोगों को कई लोग उठ नहीं पाते हैं तो देख भाई आपको सिलेक्शन लेना है तो उठना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। देखिए प्रिंटिंग को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड कब आएंगे नेवी के, तो देखिए मैं बता दूंगा जब भी आएगा। देखिए सबसे पहले पीआर को देखो, पीआर को आरपी लिखा हुआ है, आईएन को एनआई लिखा हुआ है, टीआई को आईटी लिखा हुआ है, एनजी को जीएन लिखा हुआ है, ठीक है। कोई लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं तो मैं एक बार चेक करता हूँ। पीआर को क्या लिखेंगे हम, आरपी। पीआर को क्या लिखेंगे हम, आरपी। तो ये ऑप्शन कट जाता है और ये ऑप्शन कट जाता है। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, देखिए आरटीओ को मैं लिखूंगा टीओ, ये मैंने टीओ लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, ओसी को मुझे लिखना है सीओ, ये मैंने लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो गया। सभी लोगों का सही है 4 का डी। भाई सौरभ यादव डी है, एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं पांचवें क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इनमें से आपको अलग छांटना है, बॉक्सिंग और ये आपका रेस्टलिंग है, कुश्ती और कराटे है और लॉन्ग जंप है। जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5, 4 का डी, बिल्कुल 4 का डी सही है भाई सभी लोगों का। कुमार पवन और रणधीर कुमार है, जब जो भी लोग हैं 5 नंबर का दीजिए भाई, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। बॉक्सिंग, रेसलिंग और उसके बाद कराटे, लॉन्ग जंप, इनमें से जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूं आप लोगों को, यदि नहीं पता लगा है तो इसका लॉन्ग जंप होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी 2 के मध्य, 2 या 2 से अधिक, मतलब ये 2 के मध्य खेले जाते हैं, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, कराटे हो, तो लेकिन जो लंबी कूद है ना, लंबी कूद ओनली 1 के मध्य ही खेली जाती है, यानी एक बंदा ही इसको खेलता है, ठीक है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल डी, सभी का सही है भाई, एंजॉय चैनल संजय चौधरी, बिल्कुल डी, इसका मतलब आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आर जी टी एफ, देखो आर जी टी एफ और एम एल ओ के सी टी ई एस वी डी जेड एस, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको इनके क्रमांक याद होने चाहिए, ये कितने पर है 18 पर, और ये कितने पर है 7 पर, ये कितने पर है 20 पर, और ये कितने पर है आपका 6 पर। यानी देखिए 18 से 20 हो रहा है, 7 से 6, यानी पहले में 2 की वृद्धि हो रही है और दूसरे में 1 की कमी हो रही है। तो मैं बात करूं इसके अंदर इस ऑप्शन की, तो इस ऑप्शन के अंदर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो इसके अंदर होता क्या है कि ये 22 नंबर पर आता है, और इसी तरह से डी 4 पर आता है, और जेड आता है आपके 26 नंबर पर, और सी आता है आपके 3 नंबर पर। तो यहाँ से ये 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, बिल्कुल रहलद कुमार आपका राइट है, प्रहलाद कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चूज कीजिए फटाक से, 6 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। 9 सही 1/11, बी 7 सही 9/13, 5 15 सही 15/17, और 5 सही 6/19। जल्दी से आंसर चूज कीजिए। देखिए भैया आज नोटिफिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो थोड़ा क्लास को हम जल्दी लेंगे, कल से हम मैनेज कर लेंगे, 7 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे। पवन कुमार डी बिल्कुल राइट भाई, और दीजिए अपना आंसर। देखिए सॉल्व करके देना, ऐसे तुक्के वगैरह मत मारना। राम राम भाई, राम राम जी, एंजॉय चैनल डी बिल्कुल राइट। तो देखिए जितने भी जो लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करें,
ओके 70। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1199/100, ये कितना आ जाता है 100/11। इसको मैं करता हूँ 13 7 91 9, ये कितना जाएगा 100/13। ये 17 5 85, 85 में 15 जोड़ूंगा 100/17, ठीक है। तो ये अब इसको मैं जोड़ूंगा 19 5 95, ये कितना जाएगा 101/6, यानी सभी में ऊपर 100 आ रहा है और इसमें क्या जाएगा 1, ठीक है 101। बिल्कुल राजेश कुमार और प्रहलाद कुमार डी वीडियोज बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 35 36 44 33 48 19 61, जल्दी से 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट से जल्दी कीजिए जितना जल्दी हो सके। 7 का डी, 8 का दीजिए भाई 8 का। तो देखिए मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो बुक है इसमें डाल रखे लगातार क्वेश्चन के आंसर है जो 8 डाल रखे, इसलिए सॉरी डी डाल रखे, मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूं, ठीक है। 25 और 55, 36 और 44, 33 और 48, ये सभी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 19 और 61 ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। संजय चौधरी जी, नहीं भाई सी नहीं होगा, डी होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये सभी कंपोजिट नंबर हैं और डी कंपोजिट नंबर नहीं है, बिल्कुल 8 का डी। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको इसको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है और बताना है कि मिड में कौन सा आएगा, यानी मध्य में कौन सा आएगा, ठीक है। तो मध्य में कौन सा आएगा, तो हम देखते हैं कि मध्य में कौन सा आएगा आखिर। देखिए बिल्कुल डी आंसर, मध्य में देखिए सबसे पहले मैं बात करूं CRU सभी के अंदर है, उसके बाद यहां से अब चालू होता है सबसे पहला अक्षर कौन सा है, डी, यानी डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आ रहा है आई, आई उसके बाद में आएगा, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा एस, एस तो बाद में आएगा, और पी और भी बाद में आएगा, ठीक है सॉरी पी बाद में आएगा और एस उसके बाद में आएगा। ओके बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। और हमारा बच जाता है एम, सी आर यू एम पी एम, इन सभी के बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई अच्छा बिल्कुल राइट। देखो यदि ओ को 16 लिखा हुआ है, 4 को 42 लिखा हुआ है, देन फ्रंट को क्या लिखा होगा, जल्दी से 25 लोग देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि 25 की कमेंट आए। 22 2 2 भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से राइट आंसर चूज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का किसी का आंसर नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत कम लोग जुड़ चुके हैं। एक बार प्लीज मेरे को ये और बताना, क्या कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, वीडियो क्लियर आ रही है क्या, प्लीज जरूर बताना। तो देखिए इसे मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, ओ को क्या लिखेंगे हम 16, 4 को क्या लिखेंगे, अब देखो ओ मैं वैसे बात करूं तो कितना होता है 15, लेकिन यहां पर 16 लिखा हुआ है, 4 इनको मैं ऐड करता हूं, 6 + 15 को क्या होता है 15 होता है, ओ का आर का कितना होता है 18, ठीक है 18 और 15 कितना होता है आपका, ये सबसे पहले 15 और 6 21 और ये 39, 39 में 3 जोड़ा, यानी प्रत्येक अक्षर में एक एक ऐड किया जा रहा है, प्रत्येक अक्षर में एक एक ऐड किया जा रहा है। एफ को 6 कहते हैं हम तो 7 माना है, ओ को 15 कहते हैं तो 16 माना, इसी तरह से 42, फ्रंट को जब हम इसी तरह से ऐड करेंगे, एफ को 6 लिखूंगा मैं, आर को 18 19 लिखूंगा, इसको 7 लिखूंगा, इसको 16 लिखूंगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग फटाक से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शिक्षक ने चपरासी को बताया स्कूल की घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, पिछली घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 7:45 पर बजनी है, शिक्षक को चपरासी किस समय जानकारी दी थी। तो देखिए इसके अंदर आपसे क्या बोला है, इसके अंदर आपसे क्या बोला है कि 7:45 पर बजनी, अगली कब बजी 7:45 पर, इससे पिछली वाली कब बजेगी, इससे पिछली वाली कब बजेगी भाई, वो बजेगी आपकी 7 बजे, कितनी बजेगी 7 बजे, ठीक है 7 बजे बजेगी, तो उसने क्या कहा कि घंटी बजने के 5 मिनट पहले बजी, तो उसने कब बताया होगा 7:05 पर। ओके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ अपने पिता की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए नेट स्लो सर, बफरिंग हो रही है क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करें। 11 का बी, ओके भाई 12 का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या चक्कर है भाई, बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही। गौरव राणा, देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अब इसको देखिए कैसे हम करेंगे, उसकी माँ,
यानी जो जिस व्यक्ति की बात कर रही है उसकी माँ अपने पिता की, उसकी माँ अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो ही आ गए, उसकी माँ अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा माँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि रॉन्ग नंबर आपको इस सीरीज के अंदर चूज करना है। तो चलिए भैया, मेरे को लग रहा है कि बफरिंग वगैरह हो रही है, किसी की कमेंट भी नहीं आ रही, एक बार जल्दी से प्लीज बता दी, बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, यदि हो रही है तो फिर